और लखनऊ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। 12 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ। नवीन अरोड़ा आगरा आईजी रेंज से हटाए गए हैं। मोहित अग्रवाल कानपुर रेंज से हटाया गया। आईपीएस प्रशांत कुमार आईजी रेंज कानपुर, नचिकेत झा आईजी रेंज आगरा बनाए गए हैं। योगेश सिंह सेना नायक 25वीं वाहिनी पीएसी रायबरेली बनाए गए हैं। तो आईपीएस प्रशांत कुमार, नचिकेता झा आईजी रेंज आगरा बनाए गए हैं। योगेश सिंह सेनानायक 25वीं वाहिनी पीएसी रायबरेली बनाए गए हैं। 12 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। तो 12 आईपीएस अफसरों का हुआ तबादला। नवीन अरोड़ा आगरा आईजी रेंज हटाए गए। खबर लखनऊ से, अयोध्या और दिल्ली के बीच रफ्तार भरेगी बुलेट ट्रेन। हाई स्पीड ट्रेन से अयोध्या दिल्ली के बीच की जो दूरी है वो सिर्फ 3 घंटे में तय करेंगे। 690 किलोमीटर लंबे इस सफर को तय करने में लगते हैं 10 से 12 घंटा। राम की नगरी को सीधे देश की राजधानी से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। लखनऊ, अयोध्या, मथुरा, इटावा समेत 12 स्टेशनों से दिल्ली को वाराणसी से जोड़ेगी। अयोध्या को लखनऊ से जोड़ने के लिए 130 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक। दिल्ली लखनऊ के बीच यात्रा महज 1 घंटे 38 मिनट की जा सकेगी तय। बुलेट ट्रेन से जुड़े जाएंगे कई धार्मिक शहर। 350 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलेगी बुलेट ट्रेन। तो लखनऊ के बीच यात्रा महज 1 घंटे 38 मिनट की दूरी जो है वो 1 घंटे 38 मिनट में तय की जा सकेगी। दिल्ली से लखनऊ 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। अयोध्या और दिल्ली के बीच रफ्तार भरेगी बुलेट ट्रेन। मुख्यमंत्री योगी ने 76 नव सृजित नगर पंचायतों के कार्यालय भवन का शिलान्यास कार्यक्रम में कहा कि नगरीय निकायों के बीच बेहतरी के लिए स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा की जरूरत है। सीएम ने कहा कि नगरीय निकायों को ईज ऑफ लिविंग के दृष्टिगत टाउन प्लानर की मदद से अगले 100 वर्ष को ध्यान में रखते हुए ठोस कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। सीएम ने कहा कि नगरीय निकाय अपनी आय बढ़ाने और आधिकारिक रोजगार सृजन पर फोकस करें, साथ ही अपने शहर को स्मार्ट बनाने के लिए व्यवस्थित प्रयास करते हुए औरों के सामने मॉडल पेश करें। वर्चुअल माध्यम से संपन्न शिलान्यास कार्यक्रम में संबोधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की भी सहभागिता रही। प्रदेश के 36 जनपदों के 76 नगर पंचायतों के कार्यालय भवन के आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, जिलाधिकारीगण, इन नगर निकायों के शासी अधिकारीगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले सभी जनप्रतिनिधियों को इस उपलब्धि के लिए हृदय से बधाई देता हूं कि उनके परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रत्येक नागरिक को बेहतर जन सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रदेश सरकार ने जिन 83 नगर निकायों का गठन किया था उन 83 में से 76 का आज यहाँ पर कार्यालय भवन के शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और वही मंत्री स्मृति ईरानी का बयान, अमेठी के लोगों की मदद की जा रही है। स्मृति ईरानी की तरफ से कहा गया, सलोन के निवासियों को ऋण दिया गया। स्मृति ईरानी ने कहा, भविष्य की योजनाओं के लिए ऋण दिया गया। अमेठी के हर गांव से किसानों को ट्रेनिंग दी गई है। तो अमेठी के लोगों की मदद की जा रही है, स्मृति ईरानी ने कहा है। सलोन के निवासियों को ऋण दिया गया, स्मृति ईरानी की तरफ से ये कहा गया है। तो भविष्य की योजनाओं के लिए ऋण दिया गया। यूपी सरकार में मंत्री रहे सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर, मऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ साझा रैली की। इस दौरान राजभर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं मंच से अखिलेश और राजभर विधानसभा चुनाव साथ लड़ने का औपचारिक ऐलान किया।
जिस दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है वो दरवाजा ओम प्रकाश राजभर जी ने बंद कर दिया है और हम लोगों ने मिलकर के उसमें छटकनी लगा दी है। बताओ वह भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने का काम होगा। लोगों ने जिन्होंने आकलन करना शुरू किया था, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो भी महसूस कर गई हैं कि अब इस गठबंधन को कोई रोकने वाला नहीं है। पीले सुहेलदेव राज पार्टी के लोग, समाज पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग अब एक हो गए हैं, तो हो सकता है कि जनता 400 सीटें भी जिता दे। इसलिए ये आपका भविष्य बनाने का चुनाव है, आपके भविष्य का चुनाव है। जो खोया हुआ सम्मान उस सम्मान को पाने का चुनाव है, जो आपने सम्मान खोया है उस सम्मान को पाने का चुनाव है। जो धुएं में रहते हैं वो बताओ क्या समझेंगे गरीबी को। क्या सपना दिखाया कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा, यही सपना दिखाया था। और आज जब महंगाई देखोगे तो बताओ चप्पल पहनने वाले की मोटरसाइकिल भी खड़ी हो गई है। और वही संयुक्त रैली पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि कोई रैली करे चाहे रैला करे, बीजेपी सरकार में फिर आ रही है। इस बार 320 से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी फिर सरकार बनाएगी। बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं कि सपा आ रही है, कोई रैली करे चाहे कोई रैला करे, लेकिन आप भाजपा आ रही है 300 से ज्यादा सीटें जीत करके आ रही है। जैसे ये लोग 2014, 17, 19 में आ रहे थे वैसे 22 में भी आ रहे हैं, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद। और वहीं लखनऊ में कल प्रदेश भर के प्रधानों का जमावड़ा होगा। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले प्रधानों का दल अयोध्या के हनुमानगढ़ी और रामलला में दर्शन कर लखनऊ के लिए सैकड़ों प्रधान रवाना हो चुके हैं। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रदेश महामंत्री रामकिशोर मिश्रा ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानों की समस्याओं को बैठक में उठाया जाएगा। करीब 50,000 से अधिक प्रधानों का रमाबाई अम्बेडकर मैदान में जमावड़ा होगा। सुनिए। 6 महीने के अंदर यानी साल 2022 में विधानसभा का चुनाव है और मुख्यमंत्री से लेकर विधायक तक का सपना देखने वाले राजनेता सड़कों पर हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। वहीं गांव की सरकार भी अपनी बैठकें कर रही है। महामंत्री हैं प्रदेश के रामकिशोर मिश्रा जी, कितने लोगों की बड़ी बैठक है और क्या पूरा कार्यक्रम है? देखिए, हमारा जो लखनऊ में ये रैली है हम लोगों की, उसमें तकरीबन 50,000 से 55,000 हमारे प्रधान पहुंचेंगे, चूंकि 60,000 के आसपास प्रधान हैं हमारे प्रदेश में, जिसमें से हम जिस तरीके की मेहनत कर रहे हैं पूरे प्रदेश में जा जाके, हमको लगता है कि 50,000 से 55,000 लोग हमारे इकट्ठा हो जाएंगे और हमारी बात वहां पर होगी और गवर्नमेंट को हम अपना ज्ञापन भी देंगे कि हमारी मांगे पूरी की जाए। चूंकि पिछले 5 वर्ष पहले जब हमारी रैली हुई थी तो अखिलेश गवर्नमेंट ने हमारी कुछ बातें मानी थी और जो भी बातें अधूरी रह गई हैं चाहेंगे कि इस गवर्नमेंट से हम पूरी करवाएं। हमारे जनपद में 11 ब्लॉक हैं, 11 ब्लॉक से करीब 750 प्रधान यहां से कूच करेंगे सुबह 6 बजे, और ये बैठक या आंदोलन जो कहें पंचायत अधिकार महारैली हमारी है कल यानी 28 अक्टूबर को रमाबाई अम्बेडकर मैदान आसियाना, और यहां से करीब हम लोग 700 से ज्यादा प्रधान जाएंगे। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं से जिस तरह से लोग पार्टी बनाकर विधानसभा में जाने की बात करते हैं, मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं, वहीं सरकार के ऊपर दबाव भी बना रहे इसे लेकर प्रधान संगठन भी आज आगे देखने को मिल रहा है। सहयोगी रज्जा के साथ राघवेंद्र शुक्ला, न्यूज वन इंडिया। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज वन इंडिया के साथ। नमस्कार।